हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो आप एक तरीके से मान सकते हैं गवर्नमेंट की न्यूज़ एजेंसी ही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप लोगों ने PIB देखा होगा, ANI देखा होगा, ठीक इसी तरीके से PTI भी है। और इन्होंने आज ये कहा है कि भैया RTI के रिप्लाई में इन्हें ये पता चला है कि 2.74 लाख वैकेंट पोस्ट हैं। आप लोग कह रहे होंगे भैया पहले तो 3.14 लाख पोस्ट थी, तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ उसमें से ग्रुप डी वालों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ NTPC वालों ने ज्वाइन कर लिया और अभी और भी बहुत सारे लड़के ज्वाइन करेंगे। तो ओवरऑल अगर पोस्ट मानोगे तो 2 लाख या 2 लाख 20 हज़ार के आसपास पोस्ट वैकेंट मिलेंगी आप लोगों को रेलवे में। उसके थ्रू भी अभी इन्होंने कहा है कि ये जो पोस्ट हैं 1.7 लाख पोस्ट जो हैं वो सेफ्टी कैटेगरी की हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की हैं। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कही है रेलवे ने यहाँ पे कि रेलवे ने कहा है कि हम जो भरेंगे या इस पर एक्शन लेंगे वो कैसे लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट करेंगे हम लोग, प्रमोशंस करेंगे और नॉन कोर स्टाफ को कोर स्टाफ में लेके आएंगे। मतलब नॉन कोर जॉब्स को हम कोर जॉब्स में लेके आएंगे, जो GDC वगैरह LDC के थ्रू हो ही रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ALP बनने की या कुछ भी पोस्ट, क्योंकि उम्मीदें ये हैं कि GDC की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है आप लोगों को। क्योंकि जब तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो 1-2 साल तक चलता है, उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक एग्ज़ाम के बेस पे जल्दी से जल्दी भर लिया जाएगा। और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जितने भी स्टूडेंट हैं। और वैसे भी अभी एक न्यूज़ आई थी कि 25% से बढ़ा के कोटा कितना कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है। किस चीज़ का? GDCE का। तो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि भैया कुछ कम से कम गुड न्यूज़ आप लोगों के सामने है, ये PTI है। अगर आप इसे सर्च करेंगे, अभी 3 घंटे पहले का ये ट्वीट है, ठीक है गाइज़। अभी 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाइज़ इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा नीचे बच्चों ने क्या क्या कहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ समझ आई होगी। और आपने अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और जो GDCE वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो 100% तैयारी स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। हम लोग भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से, बिना किसी टेंशन के, ना आपको साइको की टेंशन लेनी है, ना आपको कंटेंट की टेंशन लेनी है, तैयारी हम कराएंगे, बस आपको तो लगे रहना है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। रिक्रूटमेंट आनी ही है, भले ही थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आएगी ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।